नमस्कार, मैं हूं अमृता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुकते हैं खबरों के, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि फरीदाबाद बाईपास चंदावली पुल के पास गड्ढे में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान गाँव नरियाला के रहने वाले विकास के नाम से हुई है। पुलिस की शुरुआती जाँच में एक्सीडेंट का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के बाईपास चंदावली पुल के पास गड्ढे में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान गांव नरियाला के रहने वाले विकास के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक्सीडेंट का अनुमान लगाया जा रहा है। युवक रात को शादी के फंक्शन से आ रहा था। इसके बाद उसकी मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरी। इस मौके पर पहुंची पुलिस के साथ पुलिस की टीम भी वहां मौके पर पहुंची है, और परिवार के लोगों का आरोप है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, और मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि इस पर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस काफी समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। कल गया अपनी ड्यूटी पे, ड्यूटी कर जहाँ भी उसके मालिक की लड़की की कल लगन सगाई, वो जा रही लगन सगाई, तो ड्यूटी के बाद ये वहाँ पे गया है। वहाँ पे गया तो उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि भाई कहाँ गया हो क्या। इसका फ़ोन आया 10:30 बजे, 9:30, 10 ऐसे ही आया 10 बजे के लगभग कि भाई मैं मम्मी घर आ रहा हूँ। जब बंदे ने ये कह दी मैं घर आ रहा हूँ, तो घर वाले निश्चिंत होकर लेट गए। तो अब जब ये सुबह नहीं पहुँचो, जब फ़ोन करे हो तो फ़ोन नहीं उठा रहा कोई भी, फ़ोन ना उठा रहा तो भैया अब हमने मालिक पे फ़ोन करे हो। मालिक ये बात कह रहा कि जी वो तो रात को चले गए और गया है ड्राइवर के साथ गया, तो ड्राइवर पे फ़ोन किया कि भाई मेरे भी लगी, उसके लगी, वो अपने घर है, हमारी जो भांजो वो यहाँ है। अच्छा, अच्छा। तो कब फ़ोन किया था आपने मालिक के पास कंप्लेंट? सुबह करे हो भाई, सुबह। हाँ, 8:30, 8:30 बजे मेरे पास मेरी बहन को फोन आया कि विकास नहीं आया रात। अब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ क्या आपको यहाँ दृश्य क्या नजर आ रहा है? यहाँ दृश्य भाई हमें तो मर्डर केस। पुलिस ये कह रही है कि एक्सीडेंटल है। हाँ। एक्सीडेंट दिख तो नहीं रहा। अच्छा, एक्सीडेंट मान रहे हैं। हाँ, वो साथ हो वो बताएगा भाई। चलो करने अगली खबर की ओर। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ के अंतर्गत जिला शाखा फरीदाबाद द्वारा जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के चेयरपर्सन अंजू बाला ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार वितरित किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन अंजू बाला ने जिला बाल कल्याण अधिकारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की और उन्हें बधाई भी दी। डिप्टी कमिश्नर और चेयरपर्सन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हालांकि कोविड के चलते 2 सालों से बच्चे अपने घरों में बंद थे, और आज कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों में भारी उत्साह देखा गया। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों का विकास हो सके। सबसे पहले मैं जिला बाल कल्याण परिषद के कमलेश शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना सुंदर और भव्य बाल महोत्सव 2021 करवाया। तो बच्चों की डिफरेंट जो प्रतिभा थी, क्योंकि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यों को भी अच्छा जाए। हमारा परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आज बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है बच्चों का उत्साह देखते हुए, COVID-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, क्योंकि 2 साल से बच्चे भी घर से बाहर निकल पाए थे, तो ये बच्चों का माध्यम है कि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी इस तरह के इवेंट्स और उसमें कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस तरह के इवेंट्स जिला का बाल कल्याण परिषद करवाती रहेगी, जहाँ पर बच्चों की सारी प्रतिभा को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो आगे की क्या योजना है बच्चों के उत्थान के लिए? नहीं, इस तरह के इवेंट्स, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग हो, डांस कंपटीशन हो, ड्रामेटिक्स हो, क्योंकि ये बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। तो इस तरह के इवेंट्स बाल कल्याण परिषद और बाकी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से, जितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, ये बच्चियाँ मुझे लगता है कि आगे चलकर हमारा देश है वो
इन्हीं की वजह से ही एक सभ्य और एक सशक्त समाज की स्थापना होती है। यदि नारी शिक्षित है और जागरूक है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं तो डेफिनेटली वो आगे। अगली खबर की और, पलवल जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पलवल बस डिपो पर रविवार को अस्थायी रैन बसेरे की शुरुआत की गई। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार के दिशा निर्देशानुसार जिले में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है ताकि सर्दी के मौसम में कोई भी बेसहारा व्यक्ति खुले आसमान में सोने के बजाय रैन बसेरे में आकर अपनी रात गुजार सके। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नोडल अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि सर्दी के मौसम में हर वर्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल द्वारा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से रैन बसेरा चलाए जाते हैं। उपायुक्त कृष्ण कुमार एवं प्रधान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्गदर्शन में जिले में हसनपुर होडल हतीन पलवल में अस्थायी रैन बसेरों की शुरुआत की गई है। पलवल में बस स्टैंड जाट धर्मशाला ब्राह्मण धर्मशाला और होडल में वैश्य अग्रवाल धर्मशाला हसनपुर में उपकार हाई स्कूल हतीन में श्री राम मंदिर गहलम रोड निर्धारित किए गए हैं। रैन बसेरे में गर्म बिस्तर जिसमें रजाई कंबल गद्दा पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ये अपील है कि सर्दी के मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए बल्कि रैन बसेरे में आकर रात गुजारे। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो खुले में सो रहा हो तो उसे रैन बसेरे तक पहुंचाने का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी सर्दी से बचाने के लिए करीब 1165 लोगों ने रैन बसेरे में आश्रय पाया था। वॉलंटियर कमल कुमार ने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रैन बसेरे शुरू कर दिया गया है। रैन बसेरे में गर्म रजाई गद्दा कंबल की व्यवस्था की गई है। रात्रि सैलाब करने वाले लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि कोई भी बेसहारा व्यक्ति रैन बसेरे में आश्रय ले सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रैन बसेरा शुरू कर एक अच्छी पहल की गई है। ये रैन बसेरा लगाया हुआ है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों के लिए लगाया हुआ है सर्दी से बचाव के लिए। और हम लोगों से अपील करते हैं शाम रात्रि के समय जो बेसहारा लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर उनसे यहाँ ठहरने की बोलते हैं जिससे वो सर्दी से बच सके। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो रैन बसेरे शुरू किए हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग रात को खुले में सोते हैं उनको बाहर नहीं सोना पड़ेगा, इन रैन बसेरों में आके सोए। और हमारी यही अपील है लोगों से कि जो भी कोई बाहर सोता हुआ दिखाई दे उन्हें ये बताएं कि बस स्टैंड पर पलवल बस स्टैंड पर रैन बसेरा है उसमें जाके सोए, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। जैसा ही सर्दियों का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दी में कि कहीं बे अनजान शहर में भाई कहीं सहारा मिल जाए, कोई छत मिल जाए। तो उसी को उद्देश्य को नज़र रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं कृष्ण कुमार जी उनके निर्देशन में आज अपना 5 दिसंबर से इन रैन बसेरों का शुभारंभ किया जा रहा है। जिला पलवल में सबसे जो एक महत्वपूर्ण प्लेस है, प्रोमिनेंट प्लेस है, वो हमारा बस अड्डा है। बस अड्डे पे लास्ट ईयर भी 1167 लोगों ने आश्रय पाया था। उसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए जैसे अपना जाट धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला। बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कान्हा गोरिया के भक्ति रस में गाते समय पूरी तरह से कलाकार मंताज मीन कृष्ण भक्ति में डूब जाती है। इस युवा कलाकार का जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से बहुत ज्यादा है। हालांकि इस महोत्सव में अभी तक उन्हें कोई मंच नहीं मिला लेकिन ब्रह्म सरोवर के घाटों पर उनकी सुरीली आवाज को सहजता से सुना जा सकता है। ये कलाकार मंताज मीन कुरुक्षेत्र मोहन नगर की है लेकिन कुरुक्षेत्र की बेटी का अब पड़ा पंजाब के खरड़ शहर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अपनी गायकी की यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्म सरोवर के पवन घाट पर मंताज मीन पहुंची है और इस होनहार कलाकार ने लोगों के आवाहन पर कहना गोरैया और कुछ पंजाबी बोलियां गाकर सुनाई। जैसे ही ये गायिका ब्रह्म सरोवर के तट पर अपने चाहने वालों के साथ अपनी सुरीली आवाज को साझा कर रही थी उसी समय उनकी आवाज को कैमरे में तब्बर कैद कर लिया गया। एकाएक ये आवाज वायरल हो गई। ये आवाज वायरल होते ही चाहने वालों द्वारा शेयर करनी शुरू कर दी गई। उनका हरियाणवी गाना चाटनी बंदूक पर भी बहुत फेमस हुआ है और शॉर्ट फिल्म सजना में भी उनके गानों को शामिल किया गया। ताजमिंक अज मैं बहुत टाइम बाद अपने कुरुक्षेत्र शहर च पहुंची हाँ गीता महोत्सव च तो मैनू बहुत वधिया लग रहा इतने आके।
तो दो साल की तक जयंती नहीं मनाई गई, सभी अपने घरों में थे, कोरोना आया हुआ था, तो आप यहाँ पर आप आए हो, कैसा महसूस यहाँ पर कर रहे हैं? दुकानें सजा दी गई हैं, ब्रह्म सरोवर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो? मैनू बहुत वधिया लग रहा कि अपना पहला वर्गा ही सारा कुछ हो गया है कि दो साल असी सारे ने ही बहुत मुश्किल तो बहुत दुख भागा सगा कि असी इन्ना माड़ा टाइम सारे ने कट्टिया तो अज इन्ने टाइम बाद आप सारे जने इकट्ठे हो गए तो मैं फिर भी कहूँगी कि अपना हुण भी बी सेफ करोना कोविड तो सारे जने अपने अपने घर च रहो, सैनीटाइजर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो तो बाकी इन्ने टाइम बाद अपना सारा भाईचारा इकट्ठा होया है। मैं अपने दोबारा शहर च गीता महोत्सव से आई हाँ, घूमी हाँ, मैंने बहुत वधिया लग्या। तो ममता जी आपने कहा से ये कला है बात करें, कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे कहाँ तक पढ़ाई की, क्या कहेंगे? मेरी पढ़ाई कुरुक्षेत्रा तो ही हुई है, अपना प्लस टू तक की है, लेकिन मेरे घर के माहौल च संगीत नहीं सीगा तो ये आप कह सकते हैं कि अपन गॉड गिफ्टेड है। तो हमने कहीं आपके मैंने गाने भी देखे हैं, हरियाणवी, पंजाबी और धार्मिक, तो एक दो गाना सुनाएंगे धार्मिक? हाँ जी बिल्कुल, मैं कृष्ण भगवान जी का थोनों भजन सुनाऊंगी क्योंकि आप इस टाइम इतने गीता का उपदेश दिता गया से कुरुक्षेत्र शहर में, तो मैं दो को बोल कृष्ण महाराज जी से सुनाऊंगी। कान्हा गोरिए पसंद किवें आ गया, कान्हा गोरिए पसंद किवें आ गया, देव की दलाल किवें दिल उत्ते छा गया, आई कान्हा दे दरबार, मेरा मोहन है दिलदार, खाटू नगरी से आया है श्यामा जादूगर, मेरा मोहन है दिलदार। तो एक अपना परिचय दे, आप कहाँ से हो, कैसे? जिवें कि तुसी सारे जानते हो मैं तुहाडी मुमताज मिंग सिंगर, मैं बेसिकली हरियाणा तो हाँ, लेकिन मैं अपने करियर की शुरुआत पंजाब तो की। गीता महोत्सव में देश विदेश के कलाकार आए हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्हें मंच नहीं मिला है। आपको बता दें कि धर्मनगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में स्टॉल नहीं मिलने से दुखी ये लोग देश के कोने कोने से आए हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनका दर्द जानने आए तो सप्ताह भर से धक्के खा रही महिला के आंसू छलक गए। फूट फूट कर ये महिला रोने लगी और कहा कि आज उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं बचे जो वो उनसे मिलना चाहती थी, तो हमें भिखारी बनाकर यहाँ रख दिया गया है, क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं? इसी से मिलता जुलता दर्द एक अन्य महिला का भी दिखा, जिसे केडीबी के एक अधिकारी ने धिक्कार कर भगा दिया, जिस पर मुख्य अधिकारी ने जांच का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु से आई संगीता आंटी से स्टॉल मिलने के इंतजार में है। दिल्ली से आई गजिया शेख बताते हैं कि 23 नवम्बर से स्टॉल तो क्या मिलेगा, उन्हें केवीडी के एक अधिकारी ने बदतमीजी से बात की। और दिल्ली से आई लेखा बताती है कि पिछले 3 दिनों से आज कल पर टका दिया जा रहा है। वही सीमा ने कहा कि 25 नवंबर से वो धक्के खा रही है और आज तो सब्र की इंतहा ही हो गई, उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, जिसके चलते सारा दिन की भूखी। उसने जब वो आला अधिकारियों से मिलना चाहती थी तो उन्हें कहा गया कि तुम 27 लोग भिखारी हो जो मांगने आए हो। वही केबीडी मुख्य अधिकारी अनुभव मेहता ने कहा कि जब स्टॉल उपलब्ध नहीं है तो कहां से उपलब्ध कराए, हमारी भी कोई लिमिट है, लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। अलबत्ता उन्होंने कहा कि उन सबका सम्मान है और यदि किसी ने भिखारी बोला है तो इस मामले की जांच की जाएगी। बोले मैंने बोला सर आपका गुप्ता जी, आपका पड़ोसी गुप्ता जी ने मेरे को भेजा, बोले जेब भेजा जिसको कहने साहब यहाँ आए उनके घर पे रोको, ऐसे ही बोला है अभी छपड़ा जी ने। मैंने बाहर आके बात किसी का नहीं बोला, मुझे अपना आपसे कुछ शर्म लगा है, हम तो बैठ के लिए आई हूँ ना, हमने तो ईमानदारी से कमाने के लिए आई हूँ। चलो किसी का स्टॉल लगाना, हमने तो कपड़े की लगाना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला, तो कब लगाओगे? क्लब में वही बात है ना, देंगे तब तो लगाएंगे ना। आप अगले साल के लिए आए हो? एक तारीख को आयु, बोले 3 तारीख को आ जाओ, मैं ऐसा भी 23 तारीख को आई, मैं यहाँ पे 23 तारीख से मैं धक्का खा रही हूँ और कुछ मैंने ट्रेवल करा। कौन सा शहर है? दिल्ली लाजपत नगर। सर मैं ज्वेलरी का लेके आई थी, मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ, 3 दिन हो गया, हम ट्रेन से आए थे, सामान वगैरह लेके आए थे और हमने एप्लीकेशन दे दिया था इनको सर को, तो कह रहे थे आप रुकिए, कल भी हमें ऐसे बोला था कि हम कल आज फाइनल कर देंगे, लेकिन आज भी फाइनल नहीं हुआ सर। डेली डेली ऐसे बोल देते, किराया भी लगा के आए, खान खर्चा भी सर हो रहा है उसी में से, हम सोचे थे कि कुछ हो जाएगा सेल भी, तो यहाँ तो दुकान ही नहीं मिला सर। सर बहुत सारा स्टॉल खाली है।
चलिए खबरों में बात करेंगे अब सियासत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार लंबी खामोशी के बाद पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और टकसाली नेता सुखदेव सिंह ढींसा के संयुक्त अकाली दल के साथ गठबंधन का स्पष्ट संकेत दिया है। ये पहला अवसर है जब बीजेपी की तरफ से कैप्टन और ढींसा के साथ चुनावी गठबंधन करने पर खुलकर बयान दिया गया है। कैप्टन पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली में अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व श्रोमणी अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींसा के साथ बातचीत जारी है और उम्मीद है कि दोनों के साथ बात पड़ जाएगी। शाह ने विपक्ष के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि किसान आंदोलन का असर यूपी और पंजाब के चुनावों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। शाह ने कहा कि राजनीति कोई फिजिक नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। यहाँ जब दो पार्टियां हाथ मिलाती है तो उनके वोट दोगुने नहीं होते, ये धारणा गलत है बल्कि एक केमिस्ट्री का सूत्र लगता है। दो केमिकलों के मिलने से तीसरा केमिकल बनता है। शाह ने यूपी में सपा कांग्रेस और बसपा गठबंधन का उदाहरण देते हुए बताया कि वोट बैंक के आधार पर किया जाता है, गठबंधन कभी काम नहीं आता। चलिए खबरों में बात करेंगे अब देश पर मंडरा रहे नए वायरस वाले खतरे के बारे में। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पांडुचेरी सरकार ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश को न मानने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। शनिवार को पांडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए थे जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,29,056 हो गई है। संक्रमण में से एक मरीज की मौत हुई है जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,875 हो गई है। इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सिनेमा घर में जाने वाले लोगों के लिए टीके की दोनों खुराक अनिवार्य होगी। साथ ही स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए भी ये नियम लागू होगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीबीएन न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।